वेलकम माई यूट्यूब चैनल ज्योति प्राची ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, बढ़िया है कि नहीं? अभी आप लोग प्रति देव को हमारे बर्थडे देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। न्यू रहा करिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। तो अभी आज तो फिलहाल तीसरा दिन हो गया, मैंने बताया था कि मैं तो ठीक नहीं रहती चेहरा उड़ने, लेकिन कुछ ठीक हो गया, अब दिखाने लायक हो गया तो अब तो वीडियो बना ही सकती हूँ। तो मैं दीदी लोग नंद लोग सब लोग आई हुई हैं, तो मैं नंद लोग आई हुई हैं तो आज वो जा रही हैं। अभी फिलहाल हमारा भी तो बर्थडे आने वाला था, लेकिन इसीलिए किसी कारण की वजह से वो जा नहीं रुक नहीं रह पाई हैं। रुक गई थी, मतलब सोची कि मैं यहाँ मेरा बर्थडे मना के जाएंगे, लेकिन वो नहीं रुक पा रही हैं, इसलिए कि उनको जाना पड़ रहा है। उनके यहाँ से फ़ोन आ चुका है तो जाएंगी, तो इसलिए आज वो जा रही है। आज उनकी ट्रेन है 5 बजे की। तो अभी हम लोग ने सुबह सुबह अभी दोपहर में हम लोग उनके लिए पूड़ी वगैरह जो भी ले जाना था वो सामान बना दी। अब क्या क्या करना है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या क्या करना है जो मेरे घर से लड़के विदा होती जाती है। तो यहाँ पास आप लोग देख लीजिए कि हमने चावल ले लिया है, और यहाँ पास गुड़ है, कुछ पैसे, और ये सब चीज़ रख के ना गोदी डाला जाता है। तो हम लोग ना तो फिर लड़की जब जाती हैं घर से है तो उसकी गोदी डालते हैं हम लोग। तो अभी तो मैं इसकी तैयारी करके रख ली हूँ, और साथ में सिंदूर रख लूँगी इसलिए कि सिंदूर का टीका करना है। सिंदूर रख लेती हूँ, अब जा रही हूँ कलर के लिए कि कलर लगाना है हमको। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा कलर तैयारी कर लूँ जो रोज। तो ये देखिए दोस्तों, मम्मी जो है तो महाव लगा रही हैं बुआ के। तो ये हमारे घर में जब भी लड़कियां जाती हैं अपने ससुराल मायके से होके, तो उनको कलर लगाया जाता है। तो हम कलर वलर लगा रहे हैं, देख रहे हैं आप। और उसके बाद जो है ना तो गोदी डालते हैं हम लोग, तो गोदी उनके डालेंगे तब वो फिर घर से बाहर कदम रखेंगी, वरना नहीं रखेंगी। ये हमारे घर की परंपरा है। अब पता नहीं आप लोग की हो कि ना हो, लेकिन मेरे यहाँ की तो है, खासकर जब लड़कियाँ जाए तब मायके से ससुराल। तो दोस्तों देख लीजिए, हम भी कलर लगा रहे हैं, इसलिए कि नियम होता है कि कभी भी कोई कलर लगाए तो एक लोग नहीं लगाते। अगर में कोई लड़की हो तो उसके चाहे अंगूठे तक में लगा दे, कोई भी सदस्य हो घर में तो जो लगाना चाहे, तो थोड़ा सा उसके अंगूठा हो या कहीं बिछुआ दे, यानी दो ही लोग को कलर लगाना चाहिए, सिंगल कलर नहीं लगाया जाता। क्या बोले ये देखिए दोस्तों, मम्मी जो हैं तो गोदी डाल रही हैं बुआ के। ये जो थोड़ा सा चावल है ना तो लड़की इसलिए देती हैं कि ताकि मायका हमेशा दोनों से यानी भरा पूरा रहे, यानी धन दौलत से हर चीज़ से भरा रहे, मायका खाली में, इसलिए थोड़ा सा चावल देते हैं। ये चावल हम ले जाके ना अपने यहाँ जो भी भंडार घर चावल का है उसमें डाल देंगे। तो दोस्तों मेरी बुआ लोग जो है जो कि जा रही हैं, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सब सामान इन लोग बाहर ला चुके हैं, जाने की फुल तैयारी है। और साथ ही साथ दोस्तों इस समय जो है तो मैं स्कूटी सीख रही हूँ, देखते हैं मैं सीख पाती हूँ कि नहीं। ये देखिए नमस्ते। ये देखिए दोस्तों, यहाँ जो है तो सब लोग जा रहे हैं, मेरी मम्मी और पापा भी लगता है सब जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम भी साथ ही साथ चलते हैं। तो ये आ गई है कार, इसी में जाएंगे मम्मी। मम्मी सब कुछ छोड़ने आई हैं। भैया स्कूटी आपके यहाँ आएगी तो बताइएगा कोई। तो ये देखिए सब लोग जा रहे हैं।
तो सभी लोग देख लिए आप लोग ने कि जो हमारे ननंदन दो ही लोग थे, भांजे लोग, सभी लोग चले गए और घर हो गया सूना। अभी घर भरा था, कहीं कोई कमरे खाली नहीं थे, हर जगह था। और अब देख रहे हैं कि इस समय थोड़ा सब काफ़ी कमरे उमरे सब बिखरे बिखरे पड़े हैं। आने जाने से सबके सभी हो ही जाता है ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा धीरे धीरे। तो अभी तो अच्छा लग रहा था, उन्हें अच्छा लगेगा। हम मैं सोच रही थी कि हमारे बर्थडे में ज़रूर रुके, और रुकी थी इसी कारण से, लेकिन हो गया किसी कारण की वजह से वो चली गई। कोई बात नहीं, ससुराल है तो जाना तो पड़ेगा ही आज, नहीं तो क्या है। तो आप लोग को आई होप मेरी वीडियो कुछ भी कहीं भी जो भी पसंद आया हो तो आप ज़रूर कमेंट बताएं। अगर और कैसे हैं आप लोग, वैसे ज़्यादा बोलने में जो प्रॉब्लम हो जाती है, सांस वगैरह फूलने लगते हैं। तो कैसा लगा मुझे आज, मेरे नंद लोग आई थी और मैंने काफ़ी इंजॉय आप लोग को बताए करवाए मैं लोग को, बस घुमा उमा नहीं पाए इसलिए कि तबीयत बहुत ज़्यादा कि ख़राब की वजह से बाहर जा नहीं पाई। तो और मेरे बच्चे तो काम कर करके जैसे ये देखे साथी क्या हालत हुई है बताओ पहले थोड़ा सा, कुछ ठीक है, बढ़िया हालत हो गई है ना। तो आप लोग को हमारी विदाई करने का तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए। न्यू रह करी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब नेक्स्ट ब्लॉग मेरा यही रहेगा कि मेरा बर्थडे आने वाला है, बस हो गया, आप लोग को उसी को देखने मिले, इसलिए कि इस महीने में काफ़ी हमारे इंजॉय हैं। इसलिए कि देखिए तो अब चाची के लड़के को बर्थडे मनाया, मेरे पति देव का था, अब मेरे आने वाले और इसी महीने में मेरी एनिवर्सरी भी है तो उसको भी बन है। तो इस समय इंजॉय इंजॉय यानी अभी तक तो भगवान की बाहर की यात्रा चल रही थी, तो इस समय अब घर की यात्रा मतलब इंजॉय में चल रहा है। तो कैसा लगा आप लोग को कि